कैसे स्टेनोग्राफर्स, हमारा चैप्टर 10th चल रहा है। हार्विंग प्रिंसिपल यानी कि हार्विंग रूल हमने इसमें स्टार्ट किया सीखना। हम हार्विंग रूल सीख रहे हैं। इसके कुछ रूल्स मैंने ऑलरेडी क्लासेस में करवा दिए हैं, कुछ अभी आगे आगे जैसे चैप्टर चलता जाएगा नए नए रूल्स हमारे सामने आते जाएंगे, लेकिन सारे रूल किससे रिलेटेड होंगे? हार्विंग रूल से, यानी कि हार्विंग प्रिंसिपल भी इसको बोल सकते हो। मैंने तीन लाइनें आप लोगों के सामने लिख रखी, देखिए तीनों में अलग अलग रूल लगेंगे। तीन रूल हमको जानने को मिलेंगे आज, मैं बता दूंगा बोल के। आप लोग अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में भी आप रीड कर रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसमें आप लोग लिख लेना। पहली जो लाइन है इसमें हम क्या कह रहे हैं, रूल लिख लेना, रूल वन या टू डाल के, रूल नंबर डाल के रूल लिख लेना कि टू अवॉइड, लिखना टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड इनको इस टाइप से सेमी कोलन में डाल लेना, ठीक है। टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज आरटी एंड आरटीएस, इस टाइप से डाल लेना, आरटी एंड आरटीएस स्टैंडिंग अलोन, इस टाइप से लिखना है, इन्हें सेमी कोलन में डालना है इन वर्ड्स को आप लोगों को। अब जानते हैं मीनिंग, देखिए ये क्या कह रहा है कि जब कभी भी सिंगल आरटी का स्ट्रोक बन रहा हो, यानी कि आरटी की साउंड हो, लाइक रेट में, रेट्स में, राइट में, राइट्स में, इसमें राइट में, रोट में, क्या साउंड आ रही है, आर प्लस टी की, दो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, और हमने सीखा है जब टी या डी की साउंड प्रोनाउंस करनी हो हमें एंड में, तो हम उस स्ट्रोक को हाफ कर देते हैं। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है कि हम अगर वो सिंगल स्ट्रोक बन रहा होगा हाफ करके, तब हम उसको हाफ नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ, देखिए हमें लिखना है पेट, अगर हमें लिखना है पेट, ये आपकी लाइन होगी, राइटिंग लाइन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पी को छोटा बना दूंगा और ए का बोल लगा दूंगा, ठीक है। पी को मैंने हाफ कर दिया, पी को छोटा कर दिया और ए का ओवर लगा दिया, छोटा किया तो इसमें टे प्रोनाउंस हुआ, ए के लिए मैंने ओवर लगा दिया, क्या रीड करूंगा इसको, पेट। लेकिन वही अगर साउंड है आपकी, साउंड आपकी रेट की, साउंड अगर रेट की है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आर को हम छोटा बना के ए का ओवर लगा दें, भाई ये हो सकता है ना। जैसे हमने पी बनाया है, पी में टी जोड़ा है, उसी तरीके से आर को भी तो हाफ करके टी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये रूल यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम इस केस में आर को हाफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर को जब हम हाफ कर रहे हैं ना, तो अपने आप में सिंगल स्ट्रोक बच रहा है, ये सिंगल स्ट्रोक में पूरा वर्ड बन जा रहा है, यानी कि इसके आगे पीछे और दूसरा कॉन्सोनेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हम, समझ गए हो, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे जी, इसमें हम क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे ऐसा, हम इसमें हाफ क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने पहले दो स्ट्रोक सीखे हुए हैं, सुड के लिए दो स्ट्रोक हमने सीखे हैं, सुड के लिए और एंड के लिए, ठीक है, एंड के लिए, ये दो स्ट्रोक्स हमने सीखे हुए हैं। तो हम अगर इसको हाफ कर देंगे, और बाय द वे हमने वोवल नहीं लगाया, तो क्या ये इन दोनों से क्लैश नहीं करेगा जी, बिल्कुल करेगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आर टी के स्ट्रोक को, या आर टी एस, या इसके बाद में रेट्स हो, यानी कि एस का सर्कल लगाना हो, इस टाइप के स्ट्रोक में हम हाफ नहीं करते हैं। इसमें हम अगर टी की साउंड आ रही है तो हम टी ज्वाइन करेंगे, आर को हाफ नहीं करेंगे। लेकिन वही उसकी जगह अगर पेट लिखना हो तो पेट में हम पी को हाफ कर देंगे, समझ गए हो, आर को हाफ क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, उसी केस में नहीं करेंगे सिर्फ जब आर को हाफ करने के बाद वो सिंगल स्ट्रोक बन जाए, उसके साथ में ना टी हो इस टाइप से, ठीक है, ना एन हो, ना एम हो, कुछ भी ना हो, अगर वो सिंगल स्ट्रोक बन रहा है हाफ करने के बाद में, हम उसको अवॉइड करेंगे इस टाइप से बनाने में, हम उसमें कंप्लीट कॉन्सोनेंट ज्वाइन करेंगे। अब मैं सिखाता हूं आप लोगों को एग्जांपल से कि ओवरऑल मतलब क्या है। पांच छह वर्ड्स लिखे हैं भाई, आर से रिलेटेड है सारे, है ना। रेट में, रेट को हम देखिए, रेट को हम क्या ऐसे नहीं बना सकते, ये हमने हार्विंग प्रिंसिपल सीखे, हार्विंग प्रिंसिपल तो ये कहता है हाफ कर दो,
और इस टाइप से एक अवयव लेते हैं हमारा, क्या पढ़ेंगे हम इसको, रेट। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक सिंगल कॉन्सोनेंट बन गया है। इसको हम कैसे बनाएंगे, हम रे बनाएंगे, पूरा टी बनाएंगे और फिर एक अवयव मन लगाएंगे, एस टाइप से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने बाय द वे वोल नहीं लगाया तो हमारा ये सुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुड। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम आर के स्ट्रोक को हमेशा हाफ नहीं करते हैं, हमेशा इसको हाफ नहीं करते हैं। इसी टाइप से रेट्स को मैं कैसे बना सकता था, आर को आधा करके मैं इस टाइप से बना सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये आर का सिंगल स्ट्रोक बन रहा है, पूरी आउटलाइन के लिए सिंगल स्ट्रोक बन रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए हम आर टी और एस का सर्कल हम लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही है राइट, राइट में आई का बबल लग जाएगा। इसमें भी हमने सॉल्ट नहीं किया, एज पर द रूल, रूल आप लोगों ने लिख लिया है, समझा भी दिया है मैंने क्यों नहीं यूज करते इसको हम सॉल्ट में, ठीक है। राइट्स, राइट में ही ऐसा लग जाएगा, राइट्स बन गया। फिर राइट है, देखिए आप लोग बार बार पूछते हो ना कि दोनों की आउटलाइन सेम है, देखिए डब्ल्यू आर आई टी ई दोनों की सेम आउटलाइन है, आर आई जी एच टी वी डब्ल्यू आर आई टी वी, एक का मतलब है अधिकार, एक का मतलब है राइट यानी कि लिखना, अधिकार कह लो या सही कह लो, गलत सही में फर्क करते हैं तब भी राइट का यूज होता है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है लेकिन आउटलाइन दोनों की सेम है। क्यों सेम, आप कहोगे स्पेलिंग तो डिफरेंट है दोनों की, हमें स्पेलिंग से मतलब ही नहीं होता जब हम शॉर्ट लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे कानों ने सुना हम वो बनाते हैं। जब आपने बोला ये वाला राइट तो भी मैंने आर आई टी सुना, राइट, और जब आपने ये बोला ये वाला राइट तब भी मैंने आर आई टी सुना, ये वाला राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी हिसाब से अपने आउटलाइन बना दी, इसमें भी आर आई और टी, इसमें भी आर आई टी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफरेंशिएशन आपको पता लगेगा जब आप उस सेंटेंस में ये वर्ड को लिख रहे होगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कौन से राइट की बात हो रही है, यहाँ पे लिखने की बात हो रही है, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, सही गलत की बात हो रही है, कौन से राइट की बात हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना, काफी सारे, एक तो नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं हंड्रेड्स में जो सिमिलर आउटलाइंस बनती है, उनका हम सेंटेंस से पता लगाते हैं। रोट, रोट, रूट, रूट, देखिए हमने क्या किया, हालांकि आर प्लस टी, आर प्लस टी, आर प्लस टी, सब में आर टी की साउंड आ रही थी, यहाँ पे आर टी एस की आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे भी आर टी और एस की साउंड आ रही थी, लेकिन हमने आर को हाफ नहीं किया, क्योंकि हमने हाल ही में तो पढ़ा था कि हम हाफ करेंगे, उसमें टी और डी की साउंड को प्रोनाउंस करेंगे एट द एंड। लेकिन हमने इसको हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इसी टाइप से हम सुड और एंड का स्ट्रोक भी बनाते हैं, ताकि तीनों में हम कभी कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा सुड है, कौन सा एंड है, कौन सा हमारा हाफ आर टी है। इसलिए हमने क्या किया, इन सब में हमने टी जोड़ दिया, अगर डी के साउंड होती तो भी हम उसी टाइप से करते, डी जोड़ देते, टी के साउंड है, डी टी जोड़ दिया, ठीक है। डी और टी के लिए दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। अब यह आता हमारा अगली लाइन, सेकेंड लाइन, फैक्ट अफेक्ट लाइक लोकेट। इसमें क्या है, इसमें रूल डाल के लिख लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हार्ड जो स्ट्रोक होता है उसकी लेंथ हमें प्रॉपर रीड नहीं कर पाते, यानी कि प्रॉपर विजिबल नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हार्ड स्ट्रोक की लेंथ प्रॉपर विजिबल नहीं होती, उनमें हम हार्ड प्रिंसिपल का, हार्मिंग प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द हार्ड स्ट्रोक लेंथ इज नॉट प्रॉपरली विजिबल वी डू नॉट यूज हार्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को बता दिया, अपनी भाषा में आप लोग लिख लेना इस चीज को, क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को। ये है फैक्ट, फैक्ट, फे में फे प्लस के प्लस टी की साउंड आ रही है, तीन कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है। तो क्यों ना हम एफ और के बना दिए, के को छोटा कर दें तो के में टी की साउंड आ जाएगी,
के को छोटा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो के में टी की साउंड आ जाएगी। ठीक है जी, बना के देखते हैं। हमने बना दिया फ और ये मैंने बना दिया के और ये लगा दिया वोवल। अब मैं रीड करूंगा तो क्या पता लग रहा है कि इसमें कहां से के ज्वाइन किया है मैंने। हो सकता है मैं कभी कभी अपना पूरा फ ही इतना बना दे रहा हूं, समझ रहे हो आप लोग। मैंने क्या किया, मैंने लिखते टाइम तो के ज्वाइन किया था इसमें, के को हाफ भी बनाया मैंने देखिए, लेकिन मैंने रीड करते टाइम इसको पूरा फे पढ़ लिया, क्योंकि के प्रॉपरली विजिबल ही नहीं है, के प्रॉपरली विजिबल नहीं है, के हाफ है लेकिन विजिबल नहीं है हमें कि ये है भी या नहीं है, हम कंफ्यूज है। इस टाइप्स के जो वर्ड्स होंगे जिनमें स्ट्रोक को हाफ करने के बाद वो विजिबल ना हो ढंग से, हमें कंफ्यूजन पैदा हो कि वो है भी या नहीं भी है, ठीक है, उन वर्ड्स में हम उसको हाफ नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड्स में हम उसको हाफ नहीं करते हैं, उसमें कंप्लीट कॉन्सोनेंट ज्वाइन करते हैं। हम कंप्लीट कॉन्सोनेंट ज्वाइन करते हैं मतलब क्या है, यहां पे हम टी को प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे, टी को भी हम ज्वाइन करेंगे। फे बनाया, के ले गए और फिर बनाया हमने ट। इसमें हुआ क्या, एक तो जो के की जो लेंथ थी ना वो लेंथ बड़ी हो गई हमारी, प्रॉपर के दिख रहा है अब यहां पे, साथ में हमने टी जोड़ दिया है। क्या रीड किया इसको, फैक्ट। आगे है सेम ऐसा ही है, अफेक्ट, अफेक्ट। भाई यहां पे अगर मैं देखिए अफेक्ट में के जोड़ दूं, मैं कह दूं यहीं पे मैंने के जोड़ दिया हाफ, तो कैसे पता लगेगा। हो सकता है रीड करते टाइम मैं समझ लूं कि ये के नहीं एफ का ही स्ट्रोक है ही, तो इसको कुछ और ही रीड कर लूं। तो यानी कि इस टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं इनमें हम के को हाफ नहीं करते हैं, हम के को पूरा बनाएंगे, आगे हम टी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अफेक्ट, इस टाइप से हमारे अफेक्ट बन जाएगा, अफेक्ट बना, अफेक्ट बना। उसी तरह से आगे हमारा लाइट, लाइट एल बनाएंगे। फिर मैंने कहा मैंने के को हाफ कर दिया यार, ज्वाइन करके यहां से यहां तक मैंने के को ज्वाइन किया और उसको हाफ कर दिया और ये लगा दिया मैंने वोवल। मैं इसको पढ़ूंगा लाइट। हो सकता है जब मैं दोबारा रीडिंग करूंगा अपने ट्रांसक्रिप्शन की रीडिंग करूंगा तो हो सकता है मैं इसको लाई पढ़ लूं, भाई हो सकता है मैं इसको लाई पढ़ लूं, एल आई ई ये रीड कर लूं, क्या पता। मैं कैसे मानूं कि मैंने के ज्वाइन किए हैं, नहीं पता लग रहा है। इसमें भी इसको भी अवॉइड करने के लिए हम इसमें भी क्या करेंगे, हम इसमें कंप्लीट के बनाएंगे और बाद में हम डी ज्वाइन कर देंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, लाइक। इसी तरीके से है लोकेट, 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 ठीक है। लोकेट को भी हमने सेम उसी तरीके से बना दिया, कंप्लीट स्ट्रोक बना दिया। मिनट, मिनट, मिनट लिख दिया हमने। इसमें भी हमने टी को ज्वाइन कर दिया, एन को हमने हाफ नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए मैं एन को हाफ कर देता इस टाइप से बनाता एम एन, ठीक है, ये और छोटा बनाता तो हो सकता है मैं उसको रीड नहीं कर पाता। इसी रीडिंग की प्रॉब्लम से, देखिए रीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ही हम कुछ वर्ड्स में प्रॉपर टी या डी हम ज्वाइन कर देते हैं, इनकी जगह डी होता है, जैसे कि यहाँ पे डी है तो डी को भी हम उसी तरीके से ज्वाइन कर दें, क्योंकि जब हम उस स्ट्रोक को हाफ करते हैं अगर हमें रीडिंग में कंफ्यूजन है कि ये ऐसी प्लेस पे ज्वाइन हो रहा है जहां पे इसको रीड करना टफ है, तो उस प्लेस पे हम क्या करेंगे, उसको हाफ नहीं करेंगे, उसको फुल बना देंगे, आखिरी में टी और डी हम ज्वाइन कर देंगे। सेलेक्ट, सेलेक्ट एक साथ बनाना था, ये कंप्लीट ऐसे बन जाएगा सेलेक्ट, ठीक है। इसमें हम कै को हाफ नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है हम कै को ना पढ़ के हम सिर्फ एस और एल को पढ़ लें। फिर आगे है टेरिटरी, मस्त स्ट्रोक है, डब्ल्यू जैसा लग रहा है टेरिटरी, ठीक है। इसमें ज्यादा वोवल लगाने की जरूरत नहीं, बस एक लास्ट वोवल लगा देना ई का, इसे आप रीड कर पाओ टेरिटरी। आगे है टुनाइट, टुनाइट, ठीक है, इसमें सिर्फ आई का वोवल लगा देना। पहला रूल हमने सीखा था आर के लिए, दूसरा रूल सीखा कि हम कई बार क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं स्ट्रोक को हाफ करने से। क्यों अवॉइड करते हैं हम इस चीज को, क्योंकि हम उसको ऐसी प्लेस पे पाते हैं कि अगर हमने वहां पे हाफ कर दिया तो उसको हो सकता है हम रीड नहीं कर पाए, रीड कुछ और कर लें। तो
ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे वर्ड्स में, ऐसी जगह पर हम उन स्ट्रोक्स को हाफ नहीं करते, उनको कंप्लीट बना के आगे टी या डी कंप्लीट कंसोनेंट हम उसमें ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा रूल कह रहा है, ठीक है। आगे तीसरा देखेंगे हम, ये लिख लिया दो आप लोगों ने। अब तीसरा देखेंगे पीटी, फोर्टी, एमटी, सारे पढ़े हैं इनमें, सब में एक चीज कॉमन लगेगी आपको, लास्ट में वो वाला आ रहा है, फोर्टी ई का वोवल, एमटी ई का वोवल, इनटू ओ का वोवल, बॉडी ई का वोवल, विंडो ओ का वोवल, सब में वो वाला आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी किसी वर्ड में लास्ट में वोवल साउंड हो, लास्ट में वोवल साउंड हो, वोवल साउंड पे वो वर्ड खत्म हो रहा हो और उससे जस्ट पहले टी या डी की साउंड आ रही हो, टी या डी की साउंड आ रही हो किसी भी वर्ड में, मान लीजिए लास्ट में टी या डी प्लस वोवल हो वर्ड के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में टी डी या और साथ में वोवल हो, यानी कि वोवल पे वो एंड हो रहा हो, तो हम उस टी और डी के साउंड के लिए स्ट्रोक को हाफ नहीं करेंगे, टी या डी के साउंड के लिए स्ट्रोक को हाफ नहीं करेंगे, हम कंप्लीट कॉन्सोनेंट टी और डी ज्वाइन करेंगे। समझ गए हो आप लोग? तीनों रूल किस बारे में है? तीनों रूल यही बता रहे हैं कि हम किस किस केस में स्ट्रोक्स को हाफ नहीं करेंगे। पहला केस हमने देखा आर के लिए, फिर हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें हम उसको हाफ कर देंगे तो हम सही से रीड नहीं कर पाएंगे। अब क्या कह रहा है, अगर टी या डी की साउंड के बाद में वोवल आ गया और उसी पे वर्ड खत्म हो गया, यानी कि वर्ड के लास्ट में वोवल आ गया, ये वाला केस बन गया, तब भी हम उसको हाफ नहीं करेंगे, कंप्लीट कॉन्सोनेंट बनाएंगे, है ना। हाथ में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, टी और डी प्लस वोवल इस पे अगर वर्ड खत्म हो रहा है तो हम कंप्लीट बनाएंगे, हाफ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं पीटी, पीटी में पी को भी हम हाफ करके टी के साउंड निकाल सकते हैं, लेकिन क्या देखा हमने, टी के बाद में ई का वोवल आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट टी ज्वाइन किया, हमने पी को हाफ नहीं किया, हमने कंप्लीट टी ज्वाइन कर दिया। फोर्टी, फोर्टी इसमें भी हमने आर को हाफ नहीं किया टी के साउंड के लिए, क्योंकि हमने देखा कि टी के बाद में वोवल के साउंड आ रही है और वर्ड वोवल पे खत्म हो जा रहा है, हमने कंप्लीट कॉन्सोनेंट टी का हमने बना दिया। एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मत पढ़ना इसको, एम्प्टी मत पढ़ना, एम्प्टी नहीं पढ़ना है, यह एम्प्टी क्या है, एम्प्टी क्या पढ़ना है हमने, एम प्लस टी, एम्प्टी, ठीक है, उस हिसाब से हमने ये स्ट्रोक बना दिया। इनटू, इनटू आगे बॉडी, 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 ठीक है, फिर है विंडो, विंडो, ये तीन रूल थे हमारे सामने आज, हमने तीनों रूल कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ज्यादा वर्ड्स नहीं है, छह छह वर्ड होंगे, 20 वर्ड के आसपास होंगे, मैं क्लास को 10 मिनट में 20 मिनट में भी कंक्लूड कर सकता था, थोड़ा सा बार बार मैंने एक्सप्लेन करके इसलिए बताया ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि किन किन केस में हम हार्विंग प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, उनका मैंने साथ में रीजंस भी बताया है कि इस केस में क्यों नहीं करेंगे हम, इस केस में क्यों यूज नहीं करेंगे हार्विंग प्रिंसिपल का, इस केस में क्यों नहीं करेंगे, है ना। इसमें हम अगर आर को छोटा कर देंगे तो वो सुड और एंड के साथ में क्लैश होगा, इसमें अगर हम किसी को स्ट्रोक को छोटा कर देंगे तो उसको हम सही से रीड नहीं कर पाएंगे, इसमें अगर छोटा कर दिया तो हम वोवल को रीड नहीं कर पाएंगे, इसमें लास्ट में वोवल आ रहा है और ये वाली कंडीशन बन रही है, तो इस केस में भी हम हार्विंग प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद में मैं आपको दे रहा हूँ 6-7 एक्सरसाइज है, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, चैप्टर तो नहीं क्लास खत्म है, चैप्टर अभी चलता रहेगा, ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों को बता देता हूँ, प्रैक्टिस ढंग से करनी है। देखिए तीन रूल है लेकिन तीन रूल के बाद में 6 एक्सरसाइज आप लोगों को मिल रही है, मतलब ये है कि ये चैप्टर प्रैक्टिस मांग रहा है, ये चैप्टर प्रैक्टिस मांग रहा है, इस चैप्टर को प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों से, तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ढंग से। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
एक्सरसाइज 49 इंग्लिश में देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, 49 शॉर्ट हैंड में, 50 इंग्लिश में, 50 शॉर्ट हैंड में, 51 इंग्लिश में, 51 शॉर्ट हैंड में, 52 इंग्लिश में, 52 शॉर्ट हैंड में, 53 इंग्लिश में, 53 शॉर्ट हैंड में, और 54 इंग्लिश में, 54 शॉर्ट हैंड में। ये सारी एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों की, तो प्रैक्टिस ढंग से करनी है इनके, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में जो भी आप लोगों को भाषा आती है अपनी समझ में उसमें लिख लेना है अपने। ये नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही नोट्स बनाने हैं, है ना। जो अपनी की जो लैंग्वेज होती है कंक्लूडिंग लैंग्वेज होती है उसको आप किसी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, मैं काफी बार करता था, हिंदी में अपना लिख लिया करता था, इस रूल का मतलब ये है, ये इस केस में यूज होगा, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो ये नहीं है कि कंक्लूजन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। कंक्लूडिंग नोट्स आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बना लो, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इनके तीनों के नोट्स बनाने हैं और सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स को लिखना है। एक दो वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं थे, फॉरेन नेम्स थे, प्रॉपर नाउंस थे, वो मैंने रहने दिया, नहीं लिखवाया आप लोगों को। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आगे भी यूज होंगे और सेम स्ट्रोक बनेगा, आगे चेंज नहीं होगा। इनकी भी ढंग से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की भी करनी है ढंग से प्रैक्टिस, और आप लोगों से मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में।